दोस्तों पिछले 2-3 महीने से व्हाट्सएप को लेकर कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो मैंने नहीं बनाया था, लेकिन आज इस वीडियो में व्हाट्सएप के 5 टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। कह सकती हो नए अपडेट्स भी हैं जो भी आप समझ सको। अमेजिंग वीडियो होने वाला है आज इस वीडियो में। व्हाट्सएप के अमेजिंग 5 नए टिप्स ट्रिक्स एंड अपडेट बताऊंगा जो आप सभी को ज़रूर से पता होना ही चाहिए। आपके प्राइवेसी से जुड़ा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें जो आज इस वीडियो के अंदर आपको पता लगेगा। अगर आप जानना चाहते हो व्हाट्सएप में वो 5 नए टिप्स एंड ट्रिक्स अपडेट हैं क्या, छोटी सी वीडियो को बिना स्किप करें आखिर तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्याश वेगा, स्वागत है मेरे रूप नॉल टेक्निकल फास्ट फोर्स में। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है, ज़रूर से वीडियो पे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। बात कर लेते हैं प्रोसेस की। आज इस वीडियो में व्हाट्सएप के अंदर 5 नए टिप्स एंड ट्रिक्स एंड अपडेट बताऊंगा जो भी आप समझ सको, अल्टीमेट वीडियो होने वाला है। पहला ट्रिक दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप में किसी के पास कॉल करते हो या फिर आपके पास कोई कॉल करता है, ऐसे में वो आपके कॉल में आईपी एड्रेस को ट्रैक करके आपके लोकेशन को ट्रैक कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है आपको इसके बारे में ना पता हो, लेकिन ये पॉसिबल है। अगर आप व्हाट्सएप में किसी के पास कॉल करते हो तो ऐसे में वो आपके आईपी एड्रेस को ट्रैक करके आपके लोकेशन को ट्रैक करके आपके लोकेशन का पता कर सकता है, जो पहला ट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए। नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन है प्राइवेसी, क्योंकि ये प्राइवेसी से रिलेटेड है, तो यहाँ से आपको प्राइवेसी ये सेटिंग सिलेक्ट करना है और यहाँ पर नीचे आइए। नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन है एडवांस, और यहाँ से एडवांस ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर एक प्रोटेक्ट आईपी एड्रेस इन कॉल, ये सेटिंग बंद होगा। नीचे यहाँ पर देखिए क्लियरली लिखा है टू मेक इट हार्डर फॉर पीपल टू इन्फर योर लोकेशन कॉल ऑन दिस डिवाइस विल बी सिक्योरली, देख सकते हो यहाँ पर यह सेटिंग बंद होगा। ये सेटिंग आपको ऑन करना है ताकि अगर आप किसी के पास कॉल करती हो या फिर आपके पास कोई व्हाट्सएप पर कॉल करता है, ऐसे में वो आईपी एड्रेस को ट्रैक नहीं कर पाएगा। अगर कर भी पाएगा तो देखिए ऐसे बहुत सारे थर्ड पार्टी ऐप्स हैं जिसे यूज़ करके क्या करते हैं, वो आपके आईपी एड्रेस को ट्रैक करके आपके लोकेशन को भी ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन ये ऑन करने के बाद उसके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा, बहुत हार्ड हो जाएगा, या फिर वो बिल्कुल ही आपके आईपी एड्रेस को ट्रैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये सेटिंग आपको ऑन करना है ताकि आप सिक्योर रहो, कोई भी आपके लोकेशन को ट्रैक ना कर सके, आपके लोकेशन का पता ना कर सके कॉल के थ्रू। अब आप सोच रहे होंगे आपके व्हाट्सएप के अंदर ये सेटिंग है नहीं, तो कैसे आप ये सेटिंग ऑन करोगे। ये सेटिंग आपके व्हाट्सएप के अंदर आएगा कैसे, कैसे ये सेटिंग आएगा, ये मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। सो वीडियो को आपको पूरा देखना है, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। ये था पहला ट्रिक। ठीक है, अभी बढ़ते हैं हमारा जो दूसरा ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर आप किसी दुकान में जा रहे हो या फिर कहीं जा रहे हो, ठीक है, कुछ किसी काम से, ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकता है, और आपको उसके पास व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, तो ऐसे में क्या होगा, उससे आप व्हाट्सएप नंबर लोगे, फिर उसका नंबर सेव करोगे, फिर आप उसे मैसेज करोगे। लेकिन अगर आपको इंस्टेंट व्हाट्सएप पर किसी के पास मैसेज करना है, ठीक है, बिना उसका नंबर सेव किए डायरेक्ट उसे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, एक नया अपडेट आ चुका है, कैसे करना देखिए। यानी मेरा जो कहने का मतलब, अगर आप किसी शॉप में जा रहे हो, उसे व्हाट्सएप पर आपको कुछ मैसेज करना है, उसका नंबर पहले सेव करोगे ना फ़ोन में कॉन्टैक्ट में, फिर आप उसे मैसेज करोगे, लेकिन ये करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन है प्लस आइकन, ठीक है, ये प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, सबसे ऊपर जो नंबर यहाँ पर देखने को मिलेगा वो आप ही का व्हाट्सएप नंबर है, देख सकते हो यहाँ पर यू लिखा रहेगा, ये यू जो है ये आप ही का नंबर है, तो ये चैट आपको ओपन करना है। ठीक है, ये चैट जैसे ओपन करोगे तो एक तरीके से ये नोटबुक है, यहाँ से आप मेंटेन कर सकते हो, अगर आपको कुछ याद रखना है यहाँ पर आप कुछ भी लिख कर रखोगे, यहाँ पर जो भी आप मैसेज करोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप खुद से चैट कर रही हो। देखिए यहाँ पर हाई मैसेज किया, देखिए इंस्टेंट यहाँ पर ब्लू टिक आ गया, यानी कि मैंने मैसेज किया, मैंने ही रीड किया। तो एक तरीके से आपके पास एक नोटबुक है, डायरी है, जहाँ पर आप सब कुछ मेंटेन करके रख सकते हो, सेव करके रख सकते हो, खुद के पास फोटो वीडियो यहाँ पर आप रख सकते हो, ताकि जब आपको ज़रूरत हो आप यहाँ से एक्सेस कर सको, किसी को सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप सारा डेटा रख सकते हो। ठीक है, अब ये ट्रिक है क्या, ये आपको समझना है। देखिए व्हाट्सएप हो या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म में, वो हमें फैसिलिटेट करते हैं, हमें उसे किस तरीके से यूज़ करना है वो हमारे ऊपर रहता है, हमारे दिमाग के ऊपर रहता है। ठीक है, हमारे जो आइडिया जो होता है, क्रिएटिविटी बोलते हैं, ये क्रिएटिविटी ट्रिक है। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ,
अगर आपको व्हाट्सएप पर किसी के पास मैसेज करना है, ठीक है, उसका नंबर आप पहले कॉन्टेक्ट में सेव करोगे, आपको ये नहीं करना है, उसका नंबर ही आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, ठीक है। जैसे आप अपना नंबर एंटर करोगे यहाँ पर ये नंबर आ जाएगा, जैसे हाई ये मैसेज ये नंबर आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पर उसके नंबर के ऊपर यहाँ पर क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पर क्लिक करोगे, डायरेक्ट आप यहाँ से उसे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। समझ गए मैंने आपसे क्या कहा, बिना नंबर सेव किए अगर आप यहाँ पर अपने ही पास उसका नंबर सेंड करोगे, उसके नंबर के ऊपर क्लिक करोगे, डायरेक्ट आप उसे व्हाट्सएप पर यहाँ पर मैसेज कर सकते हो बिना नंबर सेव किए, देखिए यहाँ पर इस तरीके से। तो ये था सेकंड ट्रिक। अभी बढ़ते हैं नंबर तीन ट्रिक। हो सकता है इस ट्रिक के बारे में बहुत सारे लोगों को पता हो, लेकिन ऐसे भी हैं जिन्हें पता नहीं होगा, मैं शोर के साथ बोल रहा हूँ, ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें पता नहीं होगा। अगर आपको पता है वेल एंड गुड, आपको वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि पहले के जो दो ट्रिक मैंने आपको बताया उसमें तो लाइक बनता ही बनता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ट्रिक है क्या, जैसे यहाँ पर मैं कोई एक चैट ओपन करता हूँ, ठीक है, चैट ओपन किया, पहले क्या था आप यहाँ से उसे वॉइस मैसेज सेंड कर पा रहे थे, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके वॉइस मैसेज सेंड कर पा रहे थे, लेकिन अभी आप उसे वीडियो मैसेज भी सेंड कर सकती हो। जी हाँ दोस्तों, उसे आप वीडियो मैसेज भी सेंड कर सकती हो। कैसे करना, देखिए बहुत सिंपल है, बस आपको ये ऑडियो ऑप्शन के ऊपर एक बार क्लिक करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक बार क्लिक करोगे, यहाँ पर देखिए वीडियो ऑप्शन आएगा, यहाँ से आपको वीडियो सेलेक्ट करना है, ये देखिए ये वीडियो आइकन यहाँ पर आ गया। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर वीडियो आइकन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर वीडियो आइकन के ऊपर होल्ड करना है, क्लिक नहीं करना है, होल्ड करना है। जैसे यहाँ पर होल्ड करोगे देख सकती हो ये स्टार्ट हो जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर। दोस्तों ज़रूर से वीडियो पर लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हो चुका है इंस्टेंट, यहाँ पर ये सेंड हो जाएगा वीडियो मैसेज। समझ गए कितना सिंपल था, फिर से आपको बताता हूँ ये प्रोसेस, देखिए बस आपको यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से ऑडियो में होगा, ठीक है, देख सकते हो। आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करना है और यहाँ से सिलेक्ट करना है वीडियो, ये वीडियो में स्विच हो जाएगा बटन। फिर यहाँ पर जैसे आप होल्ड करोगे, यहाँ से वीडियो मैसेज आपको रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करने के बाद जैसे आप यहाँ पर इसे स्प्लिट करोगे, छोड़ोगे, ये सेंड हो जाएगा। तो ये काफ़ी अल्टीमेट अपडेट है, जिससे आप व्हाट्सएप के अंदर वीडियो मैसेज भी सेंड कर सकते हो। अब ये कितने टाइम तक का वीडियो मैसेज सेंड कर सकते हो ये तो मुझे पता नहीं, ज़रूर से अगर आपको पता होगा ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताना कितने टाइम तक का वीडियो मैसेज आप सेंड कर सकते हो। ये वाला वीडियो मैसेज क्यों सेंड नहीं हुआ यहाँ पर देखिए, अगर आप इस तरीके से ऊपर की तरफ करोगे ये पूरा अल्टी मतलब ये लॉक हो जाएगा, ये रिकॉर्ड होता ही जाएगा। यहाँ पर आप डिलीट भी कर सकते हो, यहाँ से कैमरा फ्लिप कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पर देखिए कैमरा फ्लिप हो गया है ना। फिर यहाँ पर क्लिक करोगे और ये सेंड हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये सेंड हो रहा है। तो ये था नंबर तीन ट्रिक। अभी बढ़ते हैं नंबर चार ट्रिक। जैसा कि मैंने आपसे कहा था अल्टीमेट अमेजिंग ट्रिक्स आपको बताऊंगा, जो अभी तक आपको किसी और ने नहीं बताया होगा, ठीक है। दोस्तों देखिए आपको व्हाट्सएप में, अभी आप व्हाट्सएप के अंदर मल्टीपल व्हाट्सएप अकाउंट यूज़ कर सकती हो, मल्टीपल आप नहीं समझे, मल्टीपल यानी एक व्हाट्सएप के अंदर आपको कोई और दूसरा व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं करना या फिर इसका क्लोन आपको क्रिएट नहीं करना, एक व्हाट्सएप के अंदर आप मल्टीपल व्हाट्सएप अकाउंट यूज़ कर पाओगे, यानी दो व्हाट्सएप अकाउंट तीन व्हाट्सएप अकाउंट यूज़ कर सकते हो। कैसे करना देखिए, तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ से सेटिंग में आओगे, ठीक है। देखिए फिर से दिखाता हूँ, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है, सेटिंग्स पे आना है, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ये देखिए छोटा सा आइकन है ना ग्रीन कलर में, आपको इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे पहला वाला जो है ये आपका व्हाट्सएप अकाउंट है, नीचे क्या है एड अकाउंट, यहाँ पर एड अकाउंट के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए एक नया व्हाट्सएप यहाँ पर ओपन हो जाएगा, एग्री एंड कंटिन्यू यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर और एक व्हाट्सएप नंबर दीजिए, यहाँ से नेक्स्ट कीजिए, आपको ये दूसरा व्हाट्सएप यहाँ से कर लेना है लॉगिन, यानी यहाँ से आप मल्टीपल व्हाट्सएप अकाउंट को लॉगिन कर सकती हो। जैसे यहाँ पर एक नंबर एंटर करके यहाँ से फिर लॉगिन कर लोगे तो क्या होगा, यहाँ से मैं बैक करके आपको दिखाता हूँ, ये देखना ठीक है, यहाँ से ये बैक हो जाए पहले, चलिए पूरा ओपन करते हैं, ये देखिए जैसे आप ये थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करोगे एक व्हाट्सएप है पहले से, ठीक है, यहाँ पर सेटिंग में आओगे और यहाँ पर आप क्लिक करोगे और जो दूसरा अकाउंट आपने यहाँ पर क्रिएट किया है उसके ऊपर क्लिक करोगे, इंस्टेंट ये स्विच हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये स्विच हो गया इस अकाउंट में, तो मेरा एक अकाउंट है, तो यहाँ से आप मल्टीपल अकाउंट इस तरीके से लॉगिन कर सकते हो, लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो ये था नंबर चार ट्रिक। अभी बढ़ते हैं नंबर पाँच ट्रिक। दोस्तों यहाँ पर नीचे देखिए ऑप्शन क्या है, अपडेट, पहले यहाँ पर क्या ऑप्शन था, यहाँ पर स्टेटस का ऑप्शन था, यहाँ पर क्लिक करके आप स्टेटस देख रहे थे दोस्तों का, ठीक है, जिसका भी, लेकिन अभी यहाँ पर अपडेट ऑप्शन आ चुका है। जैसे यहाँ पर अपडेट के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर आप सारे स्टेटस देखोगे, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए बिरयानी,
ठीक है। अब बिरयानी अगर खाना पसंद करते हो जरूर से मुझे कमेंट करके बताना। ये देखिए स्टेटस, ठीक है। अभी अगर मैं इस स्टेटस के ऊपर इस तरह से होल्ड करता हूँ, यहाँ से म्यूट करता हूँ, ये देखिए व्यू अपडेट तो यहाँ पर आ गया, लेकिन जो मैंने म्यूट किया है वो कहाँ गया, उसे मैं कैसे देखूँ? जिसके स्टेटस को आपने यहाँ पर म्यूट किया होगा उसके स्टेटस को कैसे देखोगे? बहुत सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लिक करना है थ्री डॉट के ऊपर, यहाँ पर देखिए म्यूट अपडेट्स, जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे जिसके भी स्टेटस को आपने म्यूट किया होगा वो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अगर आप वापस यहाँ पर फिर लाना चाहते हो, यहाँ पर क्लिक करना है, म्यूट अपडेट्स के ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर होल्ड करना है, अनम्यूट कीजिए, वापस से आपके होम में आ जाएगा। और एक आपको यहाँ पर ट्रिक बता दूँ, देखिए यहाँ से आप चैनल फॉलो कर सकते हो, यहाँ से चैनल सर्च कर सकते हो। अब आपको चैनल अगर आपको क्रिएट करना हो, कैसे आप चैनल क्रिएट करोगे, ये भी सिंपल है। ये प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना है, क्रिएट चैनल यहाँ पर क्लिक करना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर चैनल नेम जैसे यहाँ पर मैं कर लेता हूँ TF, ठीक है, चलिए पूरा नाम रख लेते हैं टेक्निकल, कहाँ गया ये टेक्निकल फास्ट पोस्ट, ठीक है, ये देखिए टेक्निकल फास्ट पोस्ट हो गया। फिर आपको अगर आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना हो, जैसे मेरा नाम ये है, मैं क्रिएटर हूँ या फिर रील क्रिएटर हूँ, जो भी आपको यहाँ पर लिखना है, फिर यहाँ पर कीजिए क्रिएट चैनल, ये देखिए चैनल बन गया, यहाँ पर आप फोटो वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर आपको लिंक शेयर करना हो, यह लिंक अपने जहाँ पर भी शेयर करना हो, व्हाट्सएप में हो या फिर फेसबुक यूट्यूब में जहाँ पर भी शेयर करना हो, यहाँ से आप लिंक शेयर कर सकते हो। इससे आपको ये फ़ायदा होगा, जैसे आप प्रोडक्ट के लिंक आप यहाँ पर शेयर करोगे, अपने जो व्यूअर्स हैं उनसे कह सकते हो ये प्रोडक्ट खरीदो, इससे आपको क्या होगा, कमीशन भी मिलेगा, आपका यहाँ पर अर्निंग भी हो जाएगा, वो आपके साथ अगर बहुत सारे लोग जुड़ते हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पर चैनल बनाकर भी पैसे बना सकते हो। और एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर आप यहाँ पर चैनल बनाते हो, आपका जो नंबर है और आपका जो पर्सनल प्रोफाइल DP है व्हाट्सएप के अंदर, वो किसी को विजिबल नहीं होगा, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, चैनल बनाकर पैसे भी बना सकते हो। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो वैसे बनाया था, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो मैंने आपको व्हाट्सएप के अंदर ये 5 नए टिप्स एंड ट्रिक्स बता दिया, हो सकता है आपको उनमें से कुछ ट्रिक्स के बारे में पता हो, लेकिन ये अमेजिंग ट्रिक्स थे जो आपको ज़रूर से पता होना ही चाहिए था, जो पहला ट्रिक था उसके लिए तो ज़रूर से वीडियो पे लाइक करना। अब जान लीजिए, अब आप ये सोच रहे होंगे हमारे व्हाट्सएप के अंदर यहाँ पर ये फीचर नहीं है, उनमें से तो एक दो फीचर आपके व्हाट्सएप में ज़रूर से होंगे, हो सकता है एक दो फीचर ना मिला हो, तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप बीटा ज्वाइन लिंक है, क्योंकि व्हाट्सएप के अंदर हो या फिर किसी भी ऐप के अंदर जो नए फीचर्स आते हैं वो सबसे पहले बीटा में रोल आउट होता है, तो आपको बीटा ज्वाइन करना होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आपको हर पहलू से मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप क्लियरली समझ सको। ये देखिए व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप, ये देखिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, बीटा यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर नीचे आओगे, देखिए यू आर अ बीटा टेस्टर, यहाँ पर ये ऑप्शन रहता है ज्वाइन, लेकिन बीटा प्रोग्राम यहाँ पर अभी फुल चल रहा है, आप ज्वाइन नहीं कर सकते। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डायरेक्ट लिंक दिया है, उस पर अगर आप क्लिक करके जाओगे तो डायरेक्ट बीटा ज्वाइन करके व्हाट्सएप में आने वाले सभी नए नए फीचर्स और ये फीचर्स भी सबसे पहले यूज़ कर पाओगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप बीटा ज्वाइन करना नहीं चाहती हो, सात से आठ दिन आपको वेट करना होगा और फिर व्हाट्सएप को अपडेट कर लीजिए प्ले स्टोर से, और बूम आपके पास भी ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। तो सो वीडियो कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट करके बताना, और ऐसे ही लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मैक्स स्टोर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।